hello students very warm welcome to all of you in today's session organized by byju's exam prep today we are talking about a very important sorting algorithm which is merge sort so merge sort कॉन्सेप्ट विच इज द एफिशियंट सॉटिंग एल्गोरिथम सबको पता है सॉटिंग का मतलब क्या होता है सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेन्ज करना है ना सिस्टमैटिक से डेटा को लगाना या डेटा को अरेन्ज करना राइट सो so, ये जो सॉटिंग एलगोरिथम होता है मर्थ सॉट ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और मोस्ट एफिशियंटली यूज एल्गोरिथम है इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं मर्थ सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को राइट अब मर्थ सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है है, ये कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है मतलब ये इस टेक्निक को 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 फॉलो करता है divide and conquer. तो अपने पूरे डेटा डेटा एक लार्जर टुकड़ों में तोड़ना का मतलब क्या होता है डिवाइड का मतलब होता है कि हमने इक्वल हाफ्स के अंदर अपने डेटा को तोड़ दिया आफ्टर डिवाइडिंग इन इक्वल हाफ्स नाउ

में आता है यू कैन से दिस इज मोस्ट पॉपुलर हम्म हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर एल्गोरिथम है ठीक है इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं दैट दिस इज यूजिंग द अप्रोच डिवाइड एंड कॉनकर राइट right? ये डिवाइड एंड कॉनकर की अप्रोच को इंप्लीमेंट करता है और वी कैन ऑल्सो से दैट दिस एल्गोरिथम इज एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो ये एल्गोरिथम बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है इसीलिए हम इसको एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम का नाम भी दे सकते हैं ओके ऑल्सो दिस एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्विक सॉर्ट

now let's understand that what is the meaning here of divide and conquer technique. so dividing means here that you have to divide the unclassified list into two sub-list. मतलब अपनी पूरी given data को अपने array को जो आपको question में given होगा उसको आपने दो टुकड़ों में तोड़ना है। सबसे पहला स्टेप राइट right? इसको हम लोग डिवाइडिंग कहते हैं तोड़ना चॉप करना राइट ओके आफ्टर डिवाइडिंग द सेकेंड स्टेप इज कॉनकर 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 इज ईच ऑफ द टू सब लिस्ट रिकर्सिवली वी हैव लिस्ट साइज ऑफ लेंथ वन तो आपने करना क्या होता है जब हम डिवाइडिंग करते हैं ना बच्चे तो डिवाइडिंग में आप इतना टुक तोड़ते हो लिस्ट को इक्वल पार्ट्स में कि वो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बन जाते हैं ठीक है सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बने अब आप, आप उन सिंगल एलिमेंट्स को कंबाइन करते हो मतलब आप उन्हें मर्ज करते हो जब आप उसे मर्ज करते हो ना तो मर्ज करने में आपको उसको सॉर्ट करना होता है ठीक और सॉर्टिंग का मतलब क्या है सॉर्टिंग का मतलब यह है कि आपने लेफ्ट में छोटे को रखा राइट में आपने बड़े को रखा इसी को हम अरेंजमेंट कहते हैं यूजुअली क्योंकि हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ठीक है और आप तब तक ये सॉर्टिंग करते रहोगे जब तक आप लेंथ वन तक नहीं पहुंचोगे मतलब आपके पास आखिरी एलिमेंट बचा जिसको किसी से कंपेयर नहीं करना तो ऑब्वियसली वो लिस्ट के अंदर अपनी रिक्वायर्ड पोजिशन के अंदर आ ही जाएगा एंड फाइनली जब आपके पास दो सब लिस्ट है आप उन्हें करो एक फाइनल डेटा आपके पास सॉर्टेड फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो जाएगा तो अब बच्चे हो सकता है जो मैंने बोला हो वो आपके सिर के ऊपर से फ्लाई कर गया हो तो इसका मीनिंग क्या है लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इवन बेटर डेटा so मेरे पास एक एरे है मेरे पास एक लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर एटीन फोर्टी टू थर्टी एट देन ट्वेल्व राइट सो दीज आर द एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग टू मी ये मेरे पास एलिमेंट्स है पूरे आपके सामने क्लियरली लिस्ट मेंशन है 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 ठीक मैंने अभी बोला कि मेरा मेरा पहला पहला स्टेप स्टेप बच्चे क्या बोलता है? मेरा पहला बोलता है कि मुझे इसको इक्वल पार्ट के अंदर तोड़ना है ठीक है तो जो भी सब लिस्ट मेंशन है जो भी लिस्ट मेंशन है इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो तो दो टुकड़ों में कैसे तोड़े भाई ये रहा मेरा ब्रेकेज ये बन चुकी है मेरी एक लिस्ट तो मैं इसको सब लिस्ट वन बोल सकती हूं और ये बन चुकी है मेरी दूसरी लिस्ट तो मैं इसको सब लिस्ट टू बोल सकती हूं ओके <coughs> okay. नेक्स्ट फर्दर अगेन अब इसको तोड़ो इक्वल पार्ट्स के अंदर मतलब सबलिस्ट वन को भी तोड़ो और सबलिस्ट टू को भी तोड़ो तो मैं इसको कैसे तोड़ू आई कैन क्रिएट वन सब दो एलिमेंट्स डाल रही क्योंकि ये ऑड ऑड लेंथ लेंथ के है ना तो को मैं एक में दो डालूंगी एक में एक डालूंगी दैट इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन सो मैंने थर्टी सिक्स और ट्वेंटी फोर को एक साथ कर दिया एटीन को मैंने एक साथ कर दिया सिमिलरली यहां पर इसको मैं तोड़ूंगी तो दो एलिमेंट्स एक साथ होंगे और एक एलिमेंट एक साथ होगा तो मैंने 42 और 38 की एक लिस्ट बना दी और 12 को मैंने ऐसे कर दिया सिंपल अगेन ब्रेक इट अभी भी तोड़ो कब तक तोड़ना है जब तक इंडिविजुअल ना बन जाए सिंगल सिंगल तो अब आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बन गए 36 24 18 42 38 और 12 ये बन गए आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट इन्हें हमें चॉप कर दिया इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर राइट right? सो so, यहां तक आपका डिवाइड का स्टेप हो चुका है अब आपने क्या करना है आपने इन्हें कंबाइन करना है सॉर्ट करते हुए राइट सो हाउ विल यू बी कंबाइनिंग टेक टू टू एलिमेंट्स एज आई एम डूइंग टेक टू एलिमेंट्स बट व्हेन यू टेक टू एलिमेंट्स यू हैव टू सॉर्ट देम है है ना इन्हें साथ में सॉर्ट सॉर्ट भी करना है। तो बच्चे कैसे करते हैं छोटा एलिमेंट लेफ्ट में रखो बड़ा एलिमेंट राइट right में रखो तो छोटा लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर और राइट right में आ जाएगा थर्टी सिक्स एटीन का नो कंपेरिजन एटीन को आपने एज इट इज रख दिया नेक्स्ट कंपेयर फोर्टी टू एंड थर्टी एट है ना इन्हें अब आपको शॉर्ट करके अरेंज करना है तो शॉर्ट करके अरेंज करें तो छोटा लेफ्ट बड़ा राइट थर्टी एट लेफ्ट होना चाहिए फोर्टी टू राइट होना चाहिए ट्वेल्व को मैंने एज इट इज रखा बिकॉज ये सिंगल था नो कंपेरिजन है ना अब आप इन्हें कंबाइन करो ये दो सब लिस्ट है राइट right? इसे कंबाइन करेंगे सॉर्ट करना है और मैंने आपको बताया सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे सॉर्टिंग का मतलब होता है दैट स्मॉलर एलिमेंट विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द लार्जर एलिमेंट विल बी ऑन राइट हैंड साइड छोटे को लेफ्ट में रखो बड़े बड़े को राइट में रखो तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले 18, फिर 24 और उसके बाद 36। so है ना? ऐसे ही हम इसको सॉर्ट करेंगे ऐसे ही अब आप राइट पोर्शन के ऊपर यही लॉजिक अप्लाई करो राइट पोर्शन रहा इफ वी अप्लाई दिस लॉजिक तो यहां पे लॉजिक कैसे लगेगा पहले आपने 12 रखा फिर आपने 38 रखा फिर आपने 42 रखा सॉर्ट हो गया राइट दिस इज द रूल ऑफ द मर्ट सॉर्ट ये मर्ट सॉर्ट का रूल होता है दैट दिस इज वन सबलिस्ट ये एक सबलिस्ट है आप देख सकते हो ये दूसरी सबलिस्ट है तो रूल क्या कहता है रूल कहता है दट एवरी सबलिस्ट इज सॉटेड इन इट सेल्फ राइट right, हर एक सब लिस्ट अपने में सॉर्टेड होती है जो आपको दिख भी रहा है 18, 24, 36, है 12, 38, 42, है है ना अब आप इसे कंबाइन करोगे जो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा और वो फाइनल आंसर में हमने डेटा कैसे रखा सबसे पहले 12 आएगा उसके बाद आएगा 18, देन विल कम 24, फोर विल कम थर्टी सिक्स एट एंड कम फोर्टी टू गेट दिस एज द फाइनल सॉटेड डेटा बट बच्चे ये तो क्लियर है ना सबके सामने दिख रहा है तो आई थिंक ये तो आप देख के भी बता सकते हो कि क्या छोटा और क्या बड़ा वेरी सिंपल राइट बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू नो हाउ दिस इज वर्किंग ये काम कैसे करता है ये तो देख के पता लग रहा है कि भाई ट्वेल्व छोटा होता है तो ट्वेल्व लेफ्ट पेगा है तो ना बट प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करता है टू अंडरस्टैंडर लॉजिक बिहाइंड दिस एंड वॉट इज द लॉजिक बिहाइंडिस द लॉजिक से आर नॉट सिंपली अरेजिंग द डेटा बाय लुकिंग इन टू द लिस्ट सीधा देखकर आप अरेजमेंट नहीं कर रहे हो आप कैसे अरेंजमेंट कर कर रहे हो आप इसमें कंपैरिजन करते हो एंड हाउ दिस कंपैरिजन इज डन लेट्स टेक वन एग्जांपल अगेन टू अंडरस्टैंड दैट कंपैरिजन मैं दोबारा से इनको ले रही हूं जिससे मैं आपको एग्जांपल बता सकूं तो ये मेरी पहली लिस्ट थी बच्चे यहाँ पे हमने 18 24 और 36 रखा था ठीक है और ये मेरी सेकेंड लिस्ट है जिसमें आपने रखा था 12 38 42 है ना ये ऐसे था टर्टी एट फोर्टी सो ये वर्क कैसे करते हैं कंसिडर दिस इज योर आयथ ये मानो लिस्ट है और ये मानो कि ये वाली लिस्ट आपकी लिस्ट है तो ये आइयथ लिस्ट है ये जेथ लिस्ट है सिंपल नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इन दिस लॉजिक आपको आइयथ लिस्ट का पहला एलिमेंट लेना है और जेथ लिस्ट का पहला एलिमेंट लेना है सिंपल First element of ith list, first element of gth list. Compare both of them. Right? दोनों को कंपैरिजन करो और जब आप दोनों का कंपैरिजन करोगे यू विल बी प्लेसिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द फाइनल डेटा दोनों में से छोटे एलिमेंट को उठाओ और प्लेस कर दो फाइनल डेटा के अंदर सो व्हाट इज स्मॉलर आउट ऑफ 18 एंड 12 ऑब्वियसली 12 इज स्मॉलर सो यू विल पुट 12 हियर इन द फाइनल आंसर राइट बट सी दैट दिस इज अ पॉइंटर ये एरो मैंने क्या शो करा ये एरो एक तरीके से मैंने पॉइंटर बताया कि पॉइंटर अभी आपका आयथ लिस्ट में 18 पर है और जेथ लिस्ट में 12 पर है ठीक है अब क्योंकि मैंने जेथ लिस्ट का 12 ले लिया हाँ क्योंकि मैंने ले लिया तो मेरा जो पॉइंटर है वो यहां से हटके आगे चला गया बिकॉज़ 12 मैं शिफ्ट कर चुकी हूं राइट अब आप कंपेयर करोगे 18 को 38 से एटीन एंड थर्टी एट आर कंपेयर्ड सो वॉट इज स्मॉलर ऑब्वियसली एटीन इज स्मॉलर बिकॉज आई हेव टेकन एटीन देअर फोर द पॉइंटर विल मूव फॉरवर्ड पॉइंटर यहाँ चला गया एटीन आउट हो चुका आप कंपेयर करो 24 एंड 38 व्हाट इज स्मॉलर ऑब्वियसली 24 इज स्मॉलर नाउ बिकॉज़ आई हैव टेकन फ्रॉम आईथ लिस्ट सो द पॉइंटर विल मूव फॉरवर्ड टू 36 ये जा चुका है कैंसिल कर दो आप कंपेयर करो 36 को 38 से 36 को 38 से कंपेयर करें व्हाट इज स्मॉलर 36 इज स्मॉलर दिस इज आउट देयर इज नो मोर एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन द आईथ लिस्ट आयत लिस्ट के अंदर आपके पास और कोई भी एलिमेंट फर्दर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आयत लिस्ट में और कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता दैट इज वाई आई लिस्ट इज ओवर राइट नाउ वी what are they they are 38 and टू आप देख सकते हो मैं मार्क करके शो करती हूँ ये देखो देर आर टू एलिमेंट्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द जीएथ लिस्ट पीछे आपको एक रूल बताया था कि मर्ज सॉर्ट के अंदर एवरी सब लिस्ट इज सॉटेड इन इट सेल्फ हर एक सब लिस्ट अपने में सॉर्टेड होती है क्योंकि हर एक सब लिस्ट अपने में सॉर्टेड होती है तो क्या मुझे थर्टी एट और फोर्टी टू को कंपेयर करना पड़ेगा नो इट्स सॉर्टेड है ना ये दोनों तो आपस में पहले ही सॉर्टेड हैं क्योंकि ये सॉर्टेड है तो मुझे कंपैरिजन नहीं करना आपने डायरेक्टली दोनों को उठाना है और अपने फाइनल आंसर के अंदर प्लेस कर देना है सो दिस इज योर फाइनल आंसर प्रोड्यूस्ड आफ्टर सॉर्टिंग यूजिंग द लॉजिक ऑफ द मर्ज सॉर्ट ऐसा भी हो सकता था बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा ना होता कि ये दोनों बच जाते जो कि अपने में सॉर्टेड थे तो आपको दोनों को एज इट इज उठाना पड़ता जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अगर मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी इज लाइक दिस आई है थर्टी एट हे आई हैव ट्वेल्व थर्टी सिक्स एंड फोर्टी टू अगर सिचुएशन ऐसी होती तो हम क्या करते तो हम यही लॉजिक करते

36 कंपेयर होगा 42 से क्या छोटा 38 तो 38 कट हो गया 38 आउट हो गया अब बचा आपके पास एक अकेला एलिमेंट जो है 42 टू एंड दिस इज द लास्ट एलिमेंट आप देख रहे हो ये अकेला एलिमेंट है इसको किससे कंपेयर करें किसी से नहीं कर सकते ना बिकॉज दिस इज द ओनली रिमेनिंग एलिमेंट बिकॉज दिस इज द ओ ओनली रिमेनिंग एलिमेंट सो देर इज नो नीड टू कंपेयर दिस विद एनी थिंग डायरेक्टली प्लेस इट इन द फाइनल सॉटेड डेटा इस एलिमेंट को किसी से कंपेयर नहीं करना क्योंकि ये अकेला एलिमेंट बचा है क्योंकि ये अकेला एलिमेंट बचा है तो इसको फाइनल सॉर्टेड डेटा के अंदर डायरेक्टली प्लेस कर दो और आपको मिल जाएगा आपका आंसर